60 से 90,000 तक जो है ना आपके नंबर रजिस्ट्रेशन पे करने पे लग जाए तकरीबन। ये आपको ये इसमें इसकी कोई किट है, ये क्या चीज़ है, पुलान बीटी। ओहो इसमें फ्यूज वगैरह ये हाली इसमें तो कुछ भी नहीं दिया। ओहो क्या बात है पुलान, ये इसकी डायरीज और ये भी है बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें ये हाथी चलने जी। अल्लाह ताला के नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं आज ये मैं लेके आया आपके लिए पुलान का आई डिब्बा जो कि पार्ट सेल है। इसकी मैं सारी प्राइस वगैरह और ये आज मेन मकसद है मेरा वीडियो बनाने का, इसमें देखेंगे इसमें कैड पे के अंदर एसी आया हुआ कि नहीं वो देखेंगे आप। तो जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो ये आप देख सकते हैं इसमें एसी कोई भी नहीं है, ये वैसे ही लोगों ने फजूल इसमें वीडियोस बनाया हुआ है कि इसमें एक एडवे में एसी आ गया एसी आ गया। इसके एडवे में तो कोई एसी नहीं है मुझे नजर आया, बाकी आप देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल ब्राइट वाल गाड़ी है। मैं आपको आगे से भी दिखा देता हूँ, ये इसका छत देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन। पर मैं खुद भी ये देखना चाहता था कि वाकई इसमें बुलान में एसी आया है कैडवे में कि नहीं, तो मैं पूछ के आया तो उन्होंने मुझे बताया कि एसी आया था कुछ एक मॉडल में आया है कुछ एक दो गाड़ियों में, पर वो कामयाब नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने जहाँ इसकी स्टपनी लगती है ना वो नीचे है, इस तरफ नीचे बिल्कुल स्टपनी लगती है, वो स्टपनी की जगह इन्होंने इसका कंडेंसर लगाया था एसी का, जो कि कामयाब नहीं हो सका। वो इसलिए कामयाब नहीं हो सका कि गाड़ी चलती है बाहर आगे पीछे, जैसे आपको पता है पाकिस्तान के रोड जिस तरह के भी हैं तो वो पत्थर वगैरह लग जाते हैं तो वो डैमेज हो जाएगा बार बार, वो ख़राब हो जाएगा, वो रिपेयरिंग ही होता रहेगा, इसलिए वो कामयाब नहीं हो सका। इसलिए फिर जो उसके बाद जो मॉडल आए ना उन्होंने फिर थोड़े बहुत चेंजिंग की है, फिर भी वो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए फिर उन्होंने एसी को ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने बोला कि एसी इसमें नहीं आएगा, ये विदाउट ही एसी चलेगा। तो जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें एसी नहीं है, पर डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा हो गई है, प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा, हर गाड़ी की हर चीज़ की ज़्यादा हो गई है। और कहाँ ये 10 लाख तक 12 लाख तक मिलता था, अब यही कैरी डिब्बा 19,25,000 में आपको मिल रहा है। तो बाकी कोई चीज नहीं चेंज हुई, सारा वैसे का वैसे ही। ये आ गया तीन चीजें, ये चेंज हुआ है, ये चीज इसमें पहले एक थी अब तीन हो गई है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। चलें बाकी आप देख सकते हैं। चले ये तो शुक्र है कि इसमें कम से कम टेप तो आ गई ना, ये इसका इसकी मैं आपको प्राइस भी साथ बताता हूँ। ये इसका दरवाज़ा चीज़ें वगैरह तो आपने देखी हुई है पहले, नीचे से भी कोई चीज़ इसमें पहले पुटीन लगती थी येलो कलर की, इसमें नहीं है, शायद ख़त्म कर दिए इन्होंने। ये फ्रेश है, वॉश वगैरह होगी तो साफ हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कश्मीर रोड पे है ये बट मोटर शाहिद अली और
फरहान भट्ट, मोहम्मद फरहान भट्ट, ये दो नंबर है। और ये है हमारे पास बुलान जो कि आपको मिली। इनके पास और भी गाड़ी है, मैं थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इनकी भी डिटेल में आपके लिए आपके पास दिया। इसके अलावा ये पीछे किया सेल खड़ी है, किया कंपनी है, पता नहीं ये कौन सी कंपनी है, देख सकते हैं जो भी है, मुझे तो नहीं पता, पर वैसे मैं इसकी भी वीडियो बना लूँगा इंशाल्लाह। ये तो आज की जो आपने कैडबा तो देख लिया होगा, आपको मैंने कैडबा दिखा दिया। अब इसकी बात करते हैं इसकी प्राइस की, जो कि इसकी प्राइस क्या चल रही है। इसकी प्राइस जो अब है इस 19,25,000 इसकी प्राइस है, 19,25,000। और उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है इसका, नंबर वगैरह लगाने का, उस पर आपका तकरीबन 60,000 से 90,000 तक वो जो है ना आपकी लग जाएगा। मैं इसका रابطہ नंबर जो मालिक का, ये बिल्कुल 0 मीटर है, शोरूम वालों का रابطہ नंबर दे दूंगा। और ये जो खड़ा है ये है सियालकोट में कश्मीर रोड पे, ये शोरूम है तो बट मोटर्स के नाम से ये शोरूम है। तो ये आप अगर आप लेना चाहें, मजीद इस वीडियोस में आपको आपके लिए लेके आता रहूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।